गाइस नाश्ता पानी हो गया है, अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, फिर बाद में फिर मिलेंगे अभी दो चार घंटे बाद। कहाँ पे बैठे? चलो सब लोग बाय बाय। चाबी ले लिया? चलोगे? अबे इतना टाइम नहीं मेरे पास, गाड़ी आ गया है। नहीं कार्तिक नहीं जाएगा। चाबी ले लिया? हाँ लिए चाबी। चलो चलो बेटा, चलो गाइस निकलते हैं घर के लिए। सुना अच्छी भाई, गेट बंद कर लो, ये मेरा है क्या? हाँ। ले जाए इसको, बोली थी तुम्हारी मम्मी एक्सचेंज करना है ना? नहीं ये वाला नहीं था। चलो। A few moments later. तो कल बाटी चोखा बना था, लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, लिट्टी चोखा जो भी बोलो। तो मैं जा रही हूँ, कुछ बर्तन भी है धोना है फ्रिज में जैसे रखा हुआ था, तो चलते हैं उसको निकाल के साफ कर, क्योंकि जितना भी खाना बचा था कल ना हम फ्रिज में रख के चले गए थे। लाइट ऑन कर लेते हैं, शाम का टाइम हो गया है। वंदना दीदी के घर से आते ही हम पहले बाबू को सुलाए, थोड़ा सा आराम किए और बाबू को भी सुलाए। तो देखिए जो भी लिट्टी या चोखा बचा था ना, इसमें इसमें चोखा है, इसमें दूध है, नहीं सॉरी इसमें लिट्टी है, इसमें दूध है, नीचे चावल बचा है। एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए, तो मैं भूल के बना दी थी, फिर फ़ोन आ गया घर से कि नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे ही रख दिए थे। अब चलते हैं, जो भी बचा है खाना उसका बर्तन निकालते हैं, खाना मतलब हटा के बर्तन धो लेते हैं। बाबू सोई हमारी उठ जाए तो, चलो सोइए तब काम कर लेते हैं। ये है कि जब बर्तन धोने लगते हैं ना तो वो उड़ जाती है, तो सबसे पहले हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं। पता है लाइट नहीं रहता है ना, लाइट और पानी ना रहने की वजह से कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। और हम पहने हुए थे पैंट और रेड कलर टॉप, जो आपने देखा होगा वंदना दीदी के घर पे, अच्छा लग रहा था। तो आते ही सबसे पहले हमने अपना टी शर्ट चेंज किया, और ये टी शर्ट ना गाइस बिल्कुल भी मतलब इसे हम बहुत ज़्यादा पहने नहीं है, लेकिन ये है धूप में डालने की वजह से ना इसका कलर देख सकते हो डल हो गया है, नहीं तो इसका कलर बहुत प्यारा था। हम बैठ चुके हैं बेड पे, क्योंकि हमें आपसे कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है कि जिससे लोग अनजान है या फिर कुछ लोग जान के भी अनजान बन रहे हैं, तो आज हम शेयर करते हैं। कभी लोगों को लगता है ना कि सुनते रहो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुनने का भी एक क्षमता होता है, सीमा होता है, और बोलने के लिए लोग क्षमता रखते हैं तो सुनने का भी क्षमता रखना चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तभी मैं बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि तुम ननद भाव जाए सब धंधे वाली हो या ऐसी हो वैसी हो, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, तुम लोग नाचने वाली हो, नचनिया हो, जो भी है। तो जो मैं तो ये कहूँगी, जो जैसा सोचता है वो वैसा है, क्योंकि इंसान का जो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जो पता नहीं कैसे कैसे लोग सोचते हैं। हम लोग तो कभी किसी के बारे में कोई कितना भी शॉर्ट पहना हो, हमारे मुंह से ऐसा वर्ड निकल ही नहीं सकता है कि हम उसको ऐसा शब्द बोले। तो बहुत सारी चीज़ें थी, इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा था। तो पता नहीं इतना बुरा क्यों लगता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड को बुरा नहीं लग रहा है तो दुनिया वाले को क्यों बुरा लगता है। इसको जो लगना है वो तो लगेगा ही। और अभी मैंने दवाई मंगा रखा है, आंटी जी नीचे जा रही थी तो उनसे मैंने दवाई मंगा रखा है। आंटी को आप लोग जानते ही हो, बहुत अच्छी हैं, हमारी पड़ोसन है सेकंड फ्लोर की। तो मैंने दवाई दो टाइम का मैंने मंगाया था, एक मैं फंक्शन में जाने से पहले खाई थी और एक जाते टाइम खाई थी। तो खाने के बाद थोड़ा आराम था, लेकिन फिर अभी फिर ऐसा हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा सर जुकाम सबसे ज़्यादा तो सर दर्द कर रहा है, कुछ सर दर्द तबीयत की वजह से और कुछ आप लोग के कमेंट की वजह से। तो इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था कपड़े को लेके, इतना ज़्यादा कि बेशरम हो गई हो, ये हो गई हो, वो हो गई हो। तो मैं ऐसा कपड़ा पहले भी पहन चुकी हूँ, तब आपने कोई कमेंट नहीं किया, और इसमें क्या रखा है बताइए, इसमें क्या है। अब इसको धोना है, मैं धोने के लिए रखी थी क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, कल भी नहीं आया था और आज आया था तो मैं थी नहीं घर पर। तो अभी शाम को फिर आएगा करीब आधे घंटे बाद, तो मैं कपड़े धोऊँगी सारा। तो इसमें क्या है हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है, बस बैकलेस। चलो ठीक है, आपने कभी मुझे ऐसा ब्लाउज पहनते हुए देखा हो जिसका एकदम बैक से नेक एकदम डीप हो? मैं कभी नहीं पहनती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें भी क्या है आपको मैं दिखाई देती हूँ, ये देखो ये इलास्टिक दिख रहा है,
ये पीछे से चैन है पूरा, ठीक है। और ये जो कपड़ा है इसीलिए मैं लेकर आई हूँ दिखाने, ये फ्रंट है ठीक है, और ये बैक है, और ये क्या है बस बांधने वाला है। तो आप लोग को ना कुछ और ही दिख रहा था, ये बांधने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पीछे से पूरा एकदम खुला था, देखो बांधने के बाद इसका कुछ ऐसा लुक आता है। तो इसमें क्या बुराई है, ना इसमें ना मेरा पैर दिख रहा था बिल्कुल भी, ना ही मेरा पेट दिख रहा था, कुछ भी नहीं। बैक मान लो, चलो ठीक है मैं मानती हूँ बैकलेस ड्रेस है, लेकिन मेरा बैक भी नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने अपने बाल ओपन कर रखा था, पूरा पीछे से कवर कर रखा था। आप लोग को उसमें भी प्रॉब्लम है, चलो छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, आप उनके लिए कितना भी कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनको कमेंट करना है तो करना है। अच्छा, जब लोग साड़ी पहनते हैं पीछे से बैकलेस एकदम ब्लाउज होता है, उसके लिए तो आप लोग नहीं बोलते हो, तब तो बोलोगे हाँ भारतीय नारी है, साड़ी पहनिए, ब्लाउज पहनिए, कितना अच्छा है। और जब आगे से इंसान साड़ी पहनता है, मतलब साड़ी पहनने के बाद 5-7 इंच तक पेट दिखते हैं, उसको आप लोग बोलते हो चलो भारतीय नारी साड़ी पहनो, साड़ी सुंदर है। अच्छा, उसमें दिखता है तो वो सुंदर है, इसमें पेट नहीं दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहा है, ये गंदा है। लोगों का सोच ना क्या मैं बोलूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब मतलब कोई भी लड़का हो या हस्बैंड हो आपसे शादी करता है, यही सोच के करता है, खासकर वो लड़के जो शहर में रहते हो, जो ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे जो बाहर काम कर रहे हैं, वो यही सोचता है ना कि हम जैसे शादी कर रहे हैं उसे अपने मन का कपड़ा पहनाए, उसे बाहर ले जाए, यही सब सोचता है। हमारी भी जब शादी हुई तो इन्होंने बोला था कि तुम्हारा जो मन करेगा वो पहनो, जो मन करे वो करो, फिर भी मैं आज तक कभी कोई ऐसा ड्रेस नहीं पहनती थी जो कि ख़राब लगे। पहली बार मैंने ऐसा ड्रेस पहना, और पहली बार क्या, ऐसा ड्रेस मैंने मेरी बाबू जब पेट में थी, वंदना दीदी का क्या बर्थडे था, साकेत मॉल में बर्थडे था, तो मैं वहाँ गई थी, ऐसा ही ड्रेस पहनी थी, बस उसमें बैकलेस नहीं था, मतलब बैकलेस ड्रेस नहीं था, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। उसमें तो आप लोग नहीं किए, इसमें कर रहे हो ना, इसमें मेरा पैर दिख रहा है ना पेट दिख रहा है। बात करने के हालत में नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोग के लिए मतलब बनाना ज़रूरी है वीडियो, ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अगर मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बताऊँगी, तो लोग अपनी बोलने की जो हद होती है ना वो पार कर देते हैं, वैसे ही पार कर दिए हैं। अभी YouTube पे शॉर्ट वीडियो इन्होंने डाला था, इतना गंदा कमेंट आया था कि मैं अपने मुँह से वो बोल भी नहीं सकती थी। चलो जो भी है, मैं तो यही कहती हूँ, जो जैसा कमेंट करता है उसमें उनकी गलती नहीं है, उनके घर में ऐसा ही वर्ड बोला जाता होगा, ऐसे ही लोग बिहेव करते होंगे, इसीलिए वो ऐसा बोलते, नहीं तो हम लोग तो किसी को देख के नहीं कमेंट करते। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी, डांस कर रही थी, लेकिन हमने तो नहीं बोला ये वैसी पहनी है, ये ऐसी पहनी है, इसके ये दिख रहे हैं, उसके वो दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर ये आदत नहीं है, उसकी लाइफ है, वो कुछ भी पहने। रही बात कपड़े की, तो आप देखो होटल में क्लब में आप लहंगे पहन के नहीं जा सकते हो, साड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, खूब चमक धमक साड़ी या लहंगा पहन के जाओ तो भी आप बोलोगे यार देहाती हो क्या, कैसे हो, आपको बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है कि आप क्लब में हो, होटल में गए हो तो ऐसे लहंगे पहन के गए हो। मैं वहाँ लहंगा पहन के जाती, अच्छा लगता, नहीं लगता ना, तो वैसे ही आप लोग सोचिए कि जब वहाँ लहंगा साड़ी नहीं अच्छा लगता तो वहाँ इंसान क्या पहन के जाए, जो अच्छा लगे वही पहनेगा ना। और जब कोई लड़की लड़का जो भी हो शादी करते हैं तो यही सोचते हैं ना कि हम अपनी वाइफ को ये पहनाएंगे, वो पहनाएंगे, ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सपने देखे होते हैं। तो और ख़ासकर तो जो शहर में लड़के होते हैं, सिटी में वो जो काम करते हैं, वो तो और सोचते हैं कि हम अपनी वाइफ को ऐसे रखेंगे, उनको ये पहनाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, तो उनकी ना मतलब एक ख्वाहिश ही अलग होती है। तो अगर आप उनके सामने ऐसा अजीब सा बिहेव करो या अजीब से कपड़े पहन के रखो तो आप कभी अपनी पति के दिल में जगह नहीं बना सकते हो। तो जो पति को पसंद है वही पहनो, जो पति को पसंद है वही खाओ। तो बहुत सारे लोग हैं अब बोलेंगे कि पति के लिए तुम्हारा पति ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो मतलब
कुछ भी करो यार इस दुनिया में ना, किसी भी तरीके से लोग आपको बख्शते नहीं हैं, किसी भी तरीके से आपको टॉर्चर करते रहेंगे। आप साड़ी पहनो तो बोलेंगे साड़ी पहनती है यही वाली बार बार पहनती है, ये अच्छी नहीं है। लहंगा पहनो तो हर फंक्शन में लहंगा पहनती है। अच्छा चलो वेस्टर्न पहन ले तो भैया इनको देखो शर्म नहीं, ये वेस्टर्न पहनती है। मतलब ज़िंदगी में यार जीने का हक ही नहीं है। ये बोल दो कि भैया तुम जिए हो, मैं तुम्हारा हक नहीं है इस ज़िंदगी में यहाँ रहने का, यहाँ जीने का। और एक बात, जब मैं वंदना दीदी, अभी होता है सबके परिवार में ऐसा होता है, छोटा मोटा मन मुटाव हो जाता है, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा या फैमिली नहीं होगा, ससुराल नहीं होगा कि जहाँ नहीं होता होगा। फैमिली मेम्बर में, घर में छोटा मोटा ये मन मुटाव होता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग बीच में, ऐसा नहीं था बिल्कुल बात नहीं होता था, थोड़ा बहुत बीच में हम लोग बात करना बंद कर देते। तो कमेंट आ रहा था, आप बात नहीं करती हैं, वंदना तुम्हारे घर नहीं जाती, कोमल तुम उनके घर नहीं जाती हो, डीके तो बात तक नहीं करता है, मतलब डीके जीजा जी को आप लोग जानते हो, डीके तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं और नाम तक नहीं लेते हैं ये लोग एक दूसरे का नाम। अच्छा ठीक है, फिर जब अगर बात करने लगो, घर आने जाने लगो, खाने पीने लगो साथ में, ठीक है थोड़ा सा डांस भी कर लो, उसके लिए कमेंट आता है कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। मतलब कुछ भी करो इस दुनिया में ना, मतलब कुछ भी करो लोग बोलेंगे ही, चाहे जैसे वो बोलना नहीं छोड़ेंगे। आप सही हो तो भी, गलत तो है नहीं, सही हो तो भी, गलत हो तो भी, वो आप मतलब कुछ भी कर लो, इंसान छुटकारा नहीं है कहीं से भी। अभी कितना वीडियो में कमेंट आ रहा था कि इनका डीके से चक्कर चल रहा है, कुछ ऐसे करो वैसे करो। अभी पूनम दीदी कह रही हूँ, उनके वंदना दीदी के ब्लॉग में कमेंट आया कि दीदी आपका ब्लॉग, आपका वीडियोस तो मुझे, आपका ब्लॉग तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कोमल और डीके भैया को थोड़ा ध्यान दो, इनका चक्कर चल रहा है, ये लोग मुझे सही नहीं लगते हैं। क्या सही नहीं लगता, आपने क्या देखा ऐसा ये बताओ मुझे, क्या देखा मुझे ऐसा, मैं तो यही नहीं समझ, आप लोग देखते क्या हो। कुछ भी बोल देते हो यार, इंसान टेंशन में एकदम हमें लग रहा है पागल हो जाएगा। चलो कोई नहीं, जो भी है, अगर आपको प्यार देना होगा तो दीजिए वीडियो में, जो मुझसे प्यार करते हैं वो तो देंगे, जो नहीं करते हैं, जो मुझसे जलते हैं वो भी दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। और प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए, ये रहा मेरा कपड़ा जिसके लिए आप लोगों ने इतना ज़्यादा बोल दिया कि छोड़ो मैं क्या बोलूँ। चलो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी करना है और दवा भी खानी है। मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्यार दीजिए।